हेलो गाइस, दिस इज अवनेश प्रजापत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी ड्रीम बोल्डर्स पे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज के एक्सरसाइज में आज हम 2.3 के एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके क्वेश्चन दो और तीन जो बच गए थे वो करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जहां से हमने छोड़ी थी उसके आगे। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट उसका कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 2.3 का। अब करने वाले हम क्वेश्चन सेकंड। सेकंड में तीन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तीन पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हम क्या करते हैं कि ये 1/√2 है उसको मान लेंगे कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विरोधाभास विधि। यानी हम जस्ट उल्टा मान के चलेंगे, उल्टा मानने पर हमारे पास क्या प्रकट होगा, विरोध प्रकट होगा। और विरोध प्रकट होते हम बोल देंगे कि ये क्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें मानकर चलना पड़ेगा क्या, कि मानना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार किया था, सेम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। आगे देखते हैं, अगर ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हमें इसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a और b, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a और b ले सकते हैं p और q की जगह। जहां हमें बताना पड़ेगा कि a और b यहाँ पे क्या चीज है, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक है। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। सहभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक पूर्णांक जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जाता हो, एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। यानी कि उनके अंदर अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास कॉमन क्या निकल के आए, एक ही कॉमन निकल के आए। एक के अलावा संख्या कॉमन ना निकले, इसका मतलब ये हो गया कि जो सहभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। जैसे मैं मान लूं मेरे पास एक तो दो है और एक तीन है, अगर ये दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों संख्याओं में भाग दोगे तो इसमें भी एक का जाता है और इसमें भी किसका जाता है, एक का। एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में क्या चला जाए, भाग चला जाए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दो और तीन दोनों के दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। और आपको यहाँ पे यह भी बताना पड़ेगा कि ये बी है ना, ये बी, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तथा बी नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब करते हैं आगे, आपको करना क्या है, बी को एक से गुणा करना है, वज्र गुणा करना है। तो बी को एक से करेंगे बी एकम बी, इसको दो से करेंगे तो √2a। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं, अब ये देखो ये a गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, बी बट्टे ए बराबर √2। मैंने क्या किया, एक गुणा में था इधर भेज दिया किसमें, भाग में, तो ये भाग में आ गया, तो ये क्या बन गया, बी बट्टा ए बराबर √2। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो अपने ए और बी है वो सहभाज्य पूर्णांक है, यानी है तो पूर्णांक ही, क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ, या फिर ये लिख सकते हैं ए व बी, चूंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अगर हम पूर्णांक के बट्टे में क्या लिख दें, पूर्णांक, पूर्णांक के बट्टे में क्या लिख दें, पूर्णांक, तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक परिमेय संख्या बन जाती है। आपको याद हो तो हमने नंबर सिस्टम किया था, उसमें हमने जो परिमेय संख्या थी उसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या दी थी कि ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। यानी पूर्णांक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी कि हमारे जो हम जो p और q बोलते हैं, परिमेय को क्या बोलते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में जिन संख्या को लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय होती है। तो p और q हम बोलते हैं कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, ठीक है। ये हमने क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परिमेय। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए
जो b बाई ए वो क्या एक है, परिमेय संख्या है, इसलिए b बाई ए के, b बाई ए एक परिमेय संख्या है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगर b बाई एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 है वो 10 के ही इक्वल हो सकता है, 10 कभी 7 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर 10 कभी रूट 3 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इधर वाला 10 एक परिमेय संख्या है तो आगे वाला 10 भी एक क्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखो, इधर वाली संख्या अगर परिमेय है तो आगे वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय होगी, इसलिए मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसलिए रूट दो भी क्या होगा, रूट दो भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मगर हमने जो थ्योरम 2.3 थी, सॉरी 2.4 थी, उसमें ये प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, कि रूट दो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ये गलत बात किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्या मानना है, गलत मानना है कि एक बटे रूट दो क्या एक परिमेय संख्या है। आपको पता है गलत चीजों के गलत परिणाम आते हैं, तो यहाँ पे हमने जो गलत चीज माननी है उसी का ये गलत परिणाम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि रूट दो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एक बार तो हम बोल रहे हैं रूट दो परिमेय संख्या है, और दूसरी बार बोलते हैं कि हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो ये जो अवधारणा है उसका क्या प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यहां हमारी अवधारणा का, यहां हमारी अवधारणा का विरोध प्रकट होता है कि, विरोधाभास प्रकट होता है कि, क्या विरोधाभास प्रकट होता है और कौन सी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। हमारी ये जो अवधारणा थी ना, एक बटा रूट दो एक परिमेय संख्या है, ये जो अवधारणा है इसका विरोध प्रकट हुआ है। हम बोलेंगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस ये जो हमारी अवधारणा थी इसका क्या प्रकट हो गया, यहाँ पे विरोध प्रकट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस अवधारणा का विरोध प्रकट हो गया तो ये क्या फिर एक अपरिमेय संख्या है। हम लास्ट में बोलेंगे अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट में हम क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो अब करते हैं अपन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या प्रूफ करना है कि 6+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हम मान के चलेंगे कि यह क्या एक परिमेय संख्या है। हम मानेंगे, माना 6+√2 एक क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 6+√2 क्या क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू, यानी कि a बाई बी की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर हम बता के चलेंगे, क्या बता के चलेंगे कि a और b क्या है, a व b हमारे पास यहाँ पे है सअभाज्य पूर्णांक। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि a और b यहाँ पे क्या है, और ये भी बताना पड़ेगा कि b है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। अगर b जीरो हो गया तो फिर तो सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये रूट वाली संख्या इसको तो एक तरफ रखना है, बाकी सारी संख्या को एक तरफ कर देना है। तो मैं रूट दो को तो एक तरफ रख रहा हूं, और ए बाई बी माइनस, ये प्लस का है यहाँ पे, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 6 को मैं आगे लेके चला गया। आगे देखो, रूट दो का रूट दो, यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे, बी। यहाँ पे देखो, बी से बी कैंसिल हो गया, ऊपर कौन बचा, ए माइनस। यहाँ पे इसके नीचे कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा 6b। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि a और b क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, इनको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं।
तो अब देखो पूर्णांक में से मैं पूर्णांक माइनस करूंगा, पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करूंगा तो ऊपर हमारे पास क्या आने वाला है, पूर्णांक ही आने वाला है। और नीचे भी क्या है हमारे पास है, बी ए के पूर्णांक है, क्योंकि हमने बोल रखा है ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक, अभी मैंने बताया था पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। हम बोल सकते हैं कि ये जो आगे वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैं बोल रहा हूँ ए माइ, पहले तो हम बोलेंगे कि चूंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो ये वाली संख्या परिमेय होगी, इसलिए ए माइनस 6b बट्टा बी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये वाली है तो ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी परिमेय होनी चाहिए। हम बोलेंगे इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था, ये जो √2 है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम बोलेंगे यहाँ पे परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक बार तो हम बोल रहे हैं √2 परिमेय, और फिर दोबारा से बोल रहे हैं हम √2 अपरिमेय। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी चीज आ रही है, क्यों, क्योंकि एक बार हम ये वाली बात कह रहे हैं कि ये परिमेय, एक बार बोल रहे हैं अपरिमेय, दोनों तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने पहले मान लिया था कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये जो हमने माना था ये क्या थी, हमारी गलत अवधारणा थी। और पहले ही बताया था मैंने गलत चीज के क्या होते हैं, गलत नतीजे होते हैं। तो हमारे पास ये जो नतीजा निकल के आया ये गलत क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने मानना गलत था। क्या माना था हमने कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हमारी जो पूर्व में मानी गई अवधारणा है, यहाँ हमारी अवधारणा को हम कल्पना भी बोल सकते हैं, ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन, जो भी, ठीक है। यहां हमारी अवधारणा का क्या प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, होता है ये, इसलिए तो यहां हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि कौन सी अवधारणा का, इस वाली अवधारणा का, कि 6 + √2 क्या एक परिमेय संख्या है, इस वाली अवधारणा का क्या प्रकट हो गया, विरोध प्रकट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसका अगर विरोध प्रकट हो गया तो ये क्या है फिर, अपरिमेय। हम बोलेंगे लास्ट में अतः ये क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, लास्ट में हम बोल देंगे हेंस प्रूव। अब देखते हैं सेकंड का थर्ड, थर्ड में आपको बोल रखा है कि 3 √2, क्या बोल रखा है, 3 √2, आपको प्रूफ करना है कि 3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए मान के चलते हैं ये क्या है, परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और बी कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि जो रूट की संख्या होती है उन्हें तो एक तरफ रख लो, बाकी को आगे भेज दो। मैं √2 को तो यहाँ पे रख रहा हूँ और 3 को आगे भेज रहा हूँ, 3 यहाँ पे गुणा में है, आगे जाके भाग में चला जाएगा, ये लो भाग में आ गया। अब देखो ये ए और बी दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक। मैं बोलूंगा ए और बी पूर्णांक है, और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये आगे वाली जो संख्या है ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये वाली भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए मैं बोलूंगा √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं किससे, थ्योरम 2.4 से हमने प्रूफ की थी, क्या प्रूफ की थी, हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। वही सेम काम हो रहा है, सही और गलत में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि हमने जो ऊपर माना था वो गलत माना था, तो इसको सही करते हैं। यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। तो हम बोलेंगे किस अवधारणा का, कि 3 √2 एक परिमेय संख्या, इस वाली अवधारणा का
विरोधाभास प्रकट हो गया। तो लास्ट में बोलेंगे कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड। अब हम जो सेकंड के तीन क्वेश्चन थे तीनों के तीन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम थर्ड को एक बार छोड़ते हैं, थर्ड को करेंगे हम बाद में। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन और थर्ड एग्जाम्पल दोनों के दोनों क्या है, सेम है। थर्ड क्वेश्चन और थर्ड एग्जाम्पल सेम है, तो हम थर्ड क्वेश्चन को थर्ड एग्जाम्पल के साथ करेंगे। हम क्या कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर एक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक देखो हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या दे दी इस बार हमें, 7√5 दे दी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ये अगर अपरिमेय संख्या है इसे सिद्ध करना है, तो हम मान के चलेंगे कि यह क्या एक परिमेय परिमेय, तो इसे हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो हमें तो रूट वाली यहाँ पे रखनी होती है, रूट वाली मैंने यहाँ पे रख दी, सात यहाँ पे गुणा में आगे जाके भाग में चला जाएगा। और हमें पता है पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि a और b यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक हमारा हो गया क्या, परिमेय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, परिमेय हो गया। अगर ये वाली परिमेय है तो इसके इक्वल में तो ये वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो पांच है ये क्या होगी, परिमेय होगी। अब आगे देखो, अगर ये परिमेय है तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि हमने प्रूफ किया था कि रूट पांच क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे, परंतु ये क्या होती है, एक हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारे पास दोनों बातों का क्या प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है दोनों बातें, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोध प्रकट हो रहा है। कौन सी अवधारणा का, इस वाली अवधारणा का, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस अवधारणा का क्या प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो लास्ट में हम बोल देंगे कि विरोध प्रकट हो रहा है इसलिए ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया लो हमारा एग्जाम्पल नंबर एक, एकदम सिंपल था। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है सभी के सभी क्वेश्चन की। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज कर रहा हूँ, बाकी आगे आपको जितने भी आपके इस पे एक्सरसाइज क्वेश्चन है सब में यही प्रोसेस चलने वाली, एकदम सेम है ये लाइन है, ये एकदम सेम है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार याद कर ली तो आपके ये मान लो सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दो। एग्जाम्पल नंबर दो में आपको प्रूफ करना है कि 3+2√5, क्या प्रूफ करना है, 3+2√5 ये वाली क्या एक अपरिमेय, अपरिमेय है। तो हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय। उल्टा काम करते हैं, चलो मान लिया मैंने ये परिमेय, परिमेय तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q की जगह हम काम क्या ले रहे हैं, A और B काम में ले रहे हैं। अब देखो आपको तो रूट वाली संख्या एक जगह रखनी है, बाकी को तो काम भेजना है, आगे भेजना है। तो ये तीन को मैं क्या भेज देता हूँ, A और B तो आगे से पहले ही बैठा है ये लोग, और तीन यहाँ पे प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे कौन बचेगा, 2√5, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपना कितना आएगा, बी आएगा, बी से बी कैंसिल, ऊपर कौन बचा, ए माइनस, यहाँ पे नीचे कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट बी को इससे गुणा करते हैं, 3b। अब देखो ये दो क्या है, यहाँ पे गुणा में है तो आगे क्या पे भाग में चला जाएगा, और यहाँ पे कौन बचेगा, √5। ए और बी अपने क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या हो जाएगा, परिमेय। तो हम पहले बोलेंगे ए और बी पूर्णांक हैं, और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक यानी कि आगे वाली ये जो संख्या है ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये वाली संख्या क्या है, परिमेय। ये वाली परिमेय है तो ये वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो हम बोलेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, कोई दिक्कत। अब करते हैं आगे, क्या हमें पता है कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब हमारी ये जो बात है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे अगेंस्ट चल रही है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोध प्रकट हो रहा है। कौन सी अवधारणा का, इस वाली अवधारणा का जो हमने पहले मानी थी। क्या थी ये, कि 3+2√5, 3+2√5 क्या है, परिमेय संख्या, इस वाली का विरोध प्रकट हो गया। हम लास्ट में बोलेंगे अगर इसका विरोध प्रकट हो रहा है तो ये परिमेय तो हो नहीं सकती, तो फिर क्या है, अपरिमेय। 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय, ये हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर दो। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर तीन। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीन में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है,
कि रूट पी प्लस रूट क्यू, ये वाली जो संख्या है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये वाली अपरिमेय संख्या है तो हम अपनी प्रोसेस को सेम रखने वाले हैं। क्या बोलेंगे, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम मान के चलेंगे कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। क्या मान के चलेंगे, ये परिमेय। इसे प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे, माना रूट पी प्लस रूट क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। और हमें पता है अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे पी बटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में, और पी की पी और क्यू की जगह हम काम में ले रहे हैं ए और बी। आपको बताना पड़ेगा यहां पर आपके पास ए और बी क्या चीज है। यहाँ ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। और यह भी बताना पड़ेगा कि बी कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका जीरो नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि आपको रूट की एक संख्या को यहाँ पे रखना है, बाकी सारी की सारी संख्या को कहां पे भेज देते हैं, हम आगे भेज देते हैं। तो मैं एक संख्या को यहाँ पे रख रहा हूँ, आपके जो मर्जी आपको जो मर्जी वो रख लेना, इनमें से दोनों में से एक को रखना है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, यहाँ पे रूट की संख्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट क्यू को तो यहाँ पे रख रहा हूँ और पी को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, आगे। ए बट्टे बी तो आगे पहले से ही है, और पी यहाँ पे देखो प्लस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ से अगर इसका हमें रूट हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर इधर वर्क करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्केयर करते हैं दोनों तरफ। देखो तो वर्क करने पर क्या होगा, ये लो इसका वर्क कर दिया, ए बट्टा बी माइनस रूट पी, इसका भी मैंने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। आगे देखते हैं, हमें पता है स्केयर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, क्यू। आगे देखो, ये बन गई ए माइनस बी की होल स्केयर, तो फर्स्ट की स्केयर यानी कि ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर, सॉरी प्लस बी की स्केयर माइनस दो, ए की वैल्यू ए बटे बी और बी की वैल्यू क्या है, रूट है पी। देखो ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर माइनस है, तो माइनस दो ए बी, ए की वैल्यू ये वाली है और बी की वैल्यू ये वाली है। अब देखो आपको क्या करना है, क्यों का क्यों ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक मिनट, देखो आपको क्या करना है। अब देखो रूट की संख्या आपके पास यहाँ पे एक ही बची है, ये पूरी की पूरी स्टेप एक है, इसको एक साथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जितने भी स्टेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं, एक ही पद बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पद एक है, ठीक है। इसके अंदर रूट की संख्या है, और इसके अंदर अगर रूट की संख्या है तो रूट वाली संख्या को तो हम साइड में रखते हैं, ठीक है। रूट वाली संख्या को हमें साइड में रखते हैं, तो इधर ये माइनस की है तो इसको इधर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, है प्लस की। तो ये क्या है, दो ए बट्टे बी इंटू रूट पी। मैंने इस पूरे पूरे पद को उठाया है, उठाकर इधर लेके आ गया हूं मैं। अब यहाँ पे देखो ए स्केयर बट्टे बी स्केयर, इसका स्केयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका रूट हट गया। अब देखो इधर क्यू पहले से था, उसको तो इधर लेके आ गए हम, पर क्यू तो था यहाँ पे, इस क्यू को हमें क्या भेजना पड़ेगा, आगे। यहाँ पे प्लस का, आगे जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या ले लेते हैं, इनका अलग उत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, नीचे बी स्केयर, यहाँ पे देखो बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कौन बचेगा, ए स्केयर प्लस का प्लस, इसके नीचे कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं, तो इसको इससे क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, पी माइनस क्यू को बी स्केयर से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो अपने पास क्या चल रहा था, दो ए बट्टे बी गुणा पी रूट पी। अब हमें तो रूट वाली ही संख्या रखनी है, इसको भी आगे भेजना पड़ेगा, तो ये क्या है, इसके गुणा में, यानी कि जो भाग में है वो तो ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा, और जो ऊपर गुणा में है वो आगे जाके भाग में चला जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे बचेगा रूट पी, आगे भेजो, आगे पहले से कौन है, ए स्केयर प्लस पी माइनस क्यू इंटू बी स्केयर बट्टे कौन है, बी स्केयर इंटू। अब देखो इसको मैं आगे भेज रहा हूं, इसको आगे भेज रहा हूं, इसका मतलब जो भाग में वो तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे रह जाएगा,
तो b बट्टे दो ए, ये b तो ऊपर चला गया और दो ए नीचे रह गया। आगे देखो रूट पी का रूट पी ए स्केयर प्लस पी माइनस क्यू बी स्केयर बट्टा, अब देखो एक बी से एक बी क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक ही बी बचेगा और उधर क्या है हमारे पास सिर्फ दो, तो ये हो गया दो ए बी। ठीक है आगे देखते हैं, अब वो बात लिखेंगे हम कौन सी वाली कि ए और बी क्या है पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये देखो ये भी क्या होगी पूर्णांक होगी और ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी पूर्णांक होती है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो वो भी पूर्णांक होती है, कुल मिलाकर ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होती है परिमेय होती है, तो यानी कि आगे वाली संख्या क्या हो गई हमारी परिमेय हो गई, ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बी स्क्वायर बट्टा दो ए बी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में जो है वो भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, हम बोल सकते हैं इसलिए रूट पी भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट पी भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है, क्या पता है कि रूट पी कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाती है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाती है तो क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है तो आप क्या बोलोगे यहां हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि क्या पर कौन सी अवधारणा का, इस वाली का कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या, इस वाली अवधारणा का क्या प्रकट हो गया विरोध प्रकट हो गया एक परिमेय संख्या है। अगर इसका विरोध प्रकट हो गया तो ये क्या है फिर, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ये लो हमारी सिद्ध हो गई अपरिमेय संख्या है। ठीक है तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है रूट दो प्लस रूट पांच, हम क्या बोलेंगे हम मान के चलेंगे कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम बोल देंगे कि इसे हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये मैंने ए बाई बी की फॉर्म में इसे लिख दिया है और जहां पे हम बता के चलेंगे ए और बी क्या ऐसा है अभाज्य पूर्णांक है और बी कभी भी क्या नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हमें एक को यहाँ पे रखना है, जैसे मैंने रूट पांच को यहाँ पे रख लिया ठीक है, या फिर रूट दो को यहाँ पे रख लो और पांच को कहाँ पे भेज दो आगे भेज दो, ये लो पांच को मैंने कहाँ भेज दिया आगे भेज दिया, यहाँ पे प्लस का था आगे जाके माइनस का हो गया। अगर हमें इसका रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, तो देखो रूट दो का वर्ग और यहाँ पे रूट पांच का वर्ग, बाकी क्या रहेगा सेम, इसका भी मैंने वर्ग कर दिया और इसका भी मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, इसका वर्ग करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहाँ पे देखो फर्स्ट की स्क्वेयर सेकेंड ये सेकेंड की स्क्वेयर माइनस दो एक जगह ए बटा बी है और बी की जगह क्या है रूट पांच है, यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है पी और क्यू की वैल्यू दे दी है और पी और क्यू की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो ये वाली टर्म क्या है इसमें रूट है और बाकी की टर्म में रूट हट गया है, इसमें भी रूट हट गया है, देखो ये वाली टर्म है ना इसमें स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में इस पद में हमारे पास क्या है रूट है, तो इसको हम साइड में लेके चलेंगे यहाँ पे ले आएंगे दो ए बी का दो ए बी दो ए बट्टा बी का दो ए बट्टा बी और रूट पांच गुणा में है तो इधर आके भी, यानी मैंने क्या किया इस पूरे के पूरे पद को यहाँ से उठाया, उधर ये पद माइनस का था तो इधर आके किसका हो गया प्लस का हो गया। अब आगे देखो ए स्क्वेयर का ए स्क्वेयर बट्टे बी स्क्वेयर का बी स्क्वेयर प्लस का प्लस, यहाँ पे देखो इसका स्क्वेयर कैंसिल करेंगे क्या आने वाला, देखो स्क्वेयर से रूट कैंसिल यहाँ पे आएगा हमारे पास पांच और इधर देखो ये दो प्लस का इसको भी तो आगे ले जाना पड़ेगा तो आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखते हैं पी की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पांच है, हाँ यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बी स्क्वेयर
बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए स्केयर प्लस का प्लस। अब देखो पांच में से दो गए यहाँ पे, क्या बचेगा तीन, और तीन को किससे गुणा करते हैं क्योंकि इसके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, एक है यहाँ पे, ये क्या बचेगा इस पूरी की वैल्यू आएगी तीन, और तीन को हम क्या कर देंगे बी स्केयर से गुणा कर देंगे। अब देखो आगे करते हैं, अब इस वाली संख्या को क्या भेजें आगे भेजेंगे, क्योंकि हमें तो रूट ही रखना है एक तरफ, रूट पांच को तो मैं एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी को आगे भेजता हूँ। ए स्केयर का ए स्केयर प्लस का प्लस, यहाँ पी माइनस टू, यहाँ पे वैल्यू दे दी तो इस वैल्यू कितनी आई यहाँ पे हमारे पास है तीन आई है निकल कर। बी स्केयर का बी स्केयर बट्टा बी स्केयर का बी स्केयर गुणा, अब देखो यहाँ इसको आगे भेजते हैं, ये जो भाग में बी है वो तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो भाग में बी है वो तो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो दो ही ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो एक बी से एक बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम लिखते हैं पहले, तो ये रूट पांच का रूट पांच लिखते हैं, ए स्केयर का ए स्केयर इसकी वैल्यू कितनी है तीन है, बी स्केयर का बी स्केयर। अब देखो एक बी से एक बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, नीचे एक बी बचा और दो ए का दो ए, ए और बी दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है, और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक हमें पता है क्या होता है परिमेय, तो ये नीचे वाली ये इधर वाली संख्या ये क्या है परिमेय, ए स्केयर प्लस तीन बी स्केयर बट्टे दो ए बी, एक क्या है परिमेय संख्या होगी, अगर ये वाली परिमेय होगी तो इधर वाली ये भी क्या होगी परिमेय होगी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ रूट पांच भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बात लिख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि रूट पांच क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट होगा विरोधाभास प्रकट होगा, क्यों, क्योंकि एक बार तो हम बोल रहे हैं रूट पांच परिमेय और दूसरे टाइम बोल रहे हैं हम ये क्या है एक अपरिमेय, तो हमारी जो अवधारणा है पूर्व में जो हमने अवधारणा की थी कल्पना की थी उसका क्या प्रकट हो गया विरोध प्रकट हो गया कि रूट पी और पी का क्यों का मान रखो यहाँ पे दो और पांच कि एक परिमेय संख्या इसका क्या प्रकट हो गया विरोध प्रकट हो गया, तो लास्ट में बोल देंगे हम कि अगर इसका विरोध प्रकट हो रहा है तो ये फिर क्या है अपरिमेय संख्या है, ये हमारी क्या हो गई सिद्ध हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, आगे के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4, तो आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।